हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजकुमार पाठक ब्लॉग और मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज है गणेश चतुर्थी और गणेश चतुर्थी की मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को बेहद ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमने आज डेकोरेशन सजावट कर रहे हैं और थोड़ा सा अभी बाकी है, तैयारियां चल रही हैं जोर शोर से। चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो यह है फ्रेंड्स रूम जहाँ पर हम यानी गणेश जी को बैठाने वाले हैं। और ये है इधर देखिए वायर वगैरह जो कि बल्ब लगा हुआ है। और यहाँ पर हमारे जो सहयोगी हैं मुकेश जी, यहाँ पर हमारे साथ में सहयोग किया। और ये देखो डेकोरेशन यानी कि सजावट देखिए, यहाँ पर हम गणपति जी को बैठाने वाले हैं और गणेश जी को लाने के लिए गए हैं कुछ लोग। और जैसे ही आ जाएंगे गणेश जी, हम अगले भाग में वो भी दिखाएंगे। और हमने बहुत सारे सामान यहाँ पर लाए हैं फ्रेंड्स, देखिए ये है अगरबत्ती और ये है नारियल और ये है तेल जो कि हम 8-10 दिन तक जलाने वाले हैं। और ये इधर 1 किलो साकर है और इधर है नारियल का जो यानी कि खोबरे का जो होता है प्रसाद में हम इसे यूज करने वाले हैं, चावल गेहूं और धूप। और ये है धूप और इसमें धूप भी रखा हुआ है फ्रेंड्स, ये देखिए ये धूप है और ये पान का पाता है और इसमें भी कापूस है और ये देखिए पान का पाता ये और रुई है ये और इधर इसमें ये देखिए सलीफा है ये देखिए बहुत सारे सामान इसमें। और इसमें ये देखिए ये है अनार, ये भी फल के रूप में है और इधर केला भी है ये देखिए। और बहुत सारे सामान अभी हमने इधर ला कर रख दिए हैं और गणेश जी जैसे आ जाएंगे हम आपको अगले पार्ट्स में वो भी दिखा देंगे। और ये है हमारा सा रूम जहाँ पर हम इधर गणेश जी को बैठाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा दिख रहा है कुछ व्यू, फिर से एक बार आपको दिखा देते हैं गणेश जी जो यहाँ पर बैठने वाले हैं। और ये है इधर इसका टेबल, इधर आजू बाजू में कुर्सियाँ रखे हुए हैं चेयर लोगों को बैठने के लिए। और ये है मेन डोर।